अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूंगी इंतहा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करते हुए जाइए और मेरी वीडियोस को लाइक करते हुए जाइए। गाइस लाइक नहीं आ रहे, सब्सक्राइब्स तो एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहे हैं मगर लाइक बिल्कुल भी नहीं आया। अरे मेरी वीडियो को लाइक करें प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए। और आज है 24वां रोज़ा, आप सबको पता होगा पाकिस्तान में आज 24वां रोज़ा है और मतलब 24वीं सहरी है। आज मेरी बारी है, ऐसा ही हो रहा है 10 दिनों से। जिस दिन मेरी पराठों की बारी होती है मुझे इतनी 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 शिद्दत के साथ नींद आ रही होती है, दिल करता है जल्दी से जाके सो जाऊं। और गैस देखें एज़ यूजुअल कि मेरी चाय पक पक के सूख गई और गैस जो है वो आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। ये मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं और दुआ है मेरी कि जल्दी से गैस आ जाए ताकि मैं जल्दी एक के बाद एक पराठों की लाइन लगा दूं। आज जो है वो अम्मी अब्बू दोनों रोटी खाएंगे, अब्बू तो खाते ही हैं रोटी मगर आज अम्मी भी रोटियां खाएंगी और बाकी इन लोगों के लिए पराठे बनेंगे। आज है खाने में हमारे लिए एक स्पेशल चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो मोस्टली लोगों को पसंद होती है और वो है कढ़ी। जी दोस्तों, तो आज अम्मी ने खाने में कढ़ी बनाई थी जो कि हम लोगों के खाने में नहीं आई। जी दोस्तों, ये सबसे बड़ा पराठा मैंने बनाया अब तक अपनी लाइफ में, नहीं इस सहरी में, 2024 की सहरी में, 24वीं सहरी की ही है बात है ये। मतलब ये मैं पराठा बना रही हूँ, खूब बड़ा मैंने बनाया है और इसको मैंने खूब अच्छे से सेका है और जो है वो अल्लाह का शुक्र अब गैस आ रही है। अब गैस जाने के नाम पे बस 2-3 दाने होती है, बाकी होती है। अम्मी के दिल पे छुरियाँ चल रही हैं क्योंकि घी खर्च हो रहा है। अब जाहिर है जब ऐसे क्रिस्पी और बड़े बड़े पराठे बनेंगे तो घी तो लगेगा ना, पानी से तो बनने से रहा नहीं तो। ये मेरा छोटू सा पराठा जो कि मैं एक्स्ट्रा सेक लेती हूँ। जी गाइस, तो मैं सहरी कर रही हूँ, सहरी में ये कड़ी मज़ेदार सी और कल वाले कबाब और ये पराठा। और गाइस मोबाइल जो है वो मैं पराठे बनाने में यूज़ कर रही थी, मेरा मोबाइल इतना हीट हो गया था कि टॉर्च ऑन करके ही नहीं हो रही थी, मोबाइल ऑन बहुत देर में हुआ है, हैंग हो गया था और लिख कर आ जा रहा था। जब कुछ भी टच कर रही थी ना तो लिख कर आ रहा था कि ओवर हीटिंग, मतलब कि मैं ज़्यादा करीब ले गई थी चूल्हे के, कुछ ज़्यादा ही शुक्र जला नहीं। तो मैं सैरी कर रही हूँ, ये रही मेरी मलाई वाली चाय, पराठा, कढ़ी, मज़ेदार सी यम्मी सी कबाब और वो चटनी। और हम सब कर रहे हैं सर जोड़कर सैरी। अब मिलते हैं इंशाल्लाह इफ्तार के दस्तरखान पर। वेलकम बैक टू सैरी वाला ब्लॉग कंटिन्यू। की इफ्तारी पर जो है वो गैस बिल्कुल भी नहीं है, 1-2 दाने आ रही है। गैस वालों की मेहरबानी कि वो हमें 2 दाने गैस भी दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और एज यूजुअल आज मैं पकौड़े पापड़ छल्ले वाले ये सब समोसे जो रखे हुए वो सारी चीज़ें मैं अब ख़त्म करने की कोशिश करूँगी क्योंकि गाइस आप सबको पता है कि अब एंड के रोज़े हैं, खाने पीने में इतना मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हो मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को प्लीज़ प्लीज़ कम से कम 500 लाइक, 5K लाइक्स तो दे दीजिए, 5K तक ही पहुँचा दीजिए। अच्छा तो मैं दूसरी बात ये कर रही थी कि ये बना रही हैं आपकी चाट, ये गला बहुत ख़राब हो गया शरबत पी पी कर, शरबत में बर्फ़ डल रहा है। शुरू के रमज़ानों में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं डल रहा था, अब जो है वो खूब बर्फ़ डल रहा है। सारे कमेंट्स भी कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब तो बहुत करिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए मैं कह रही हूँ, एक 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 करके बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है, मुझे वो भी अच्छा लग रहा है। मगर मैं चाहती हूँ ज़रा थोड़ा तेज़ी से मामला बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मैं पकौड़े बनाती हूँ, सॉरी पकौड़े क्यों बनाऊँगी, मैं गैस तो आ ही नहीं रही है, गैस आने का मैं वेट करती हूँ, जब गैस आ जाएगी तो पकौड़े बनाऊँगी। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इफ्तार के दस्तरखान पर। A few moments later. जी दोस्तों, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 24वां रोज़ा है और इफ्तार करने लगे हैं हम सब। तमाम नेमते हैं अल्लाह ताला की और मेरे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और जो है ये सारा दुआओं का वक्त है। अल्लाह पाक हम सब की रोज़ों को दुआओं को कबूल करे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।